यहाँ से आगे निकलेंगे डोली के साथ जयकारे लगाते लगाते। हेलो वैसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वैसे हम कल रात को मिल गए थे लेकिन कल रात को शोर हो रहा था इस वजह से ज्यादा बढ़ा नहीं पाए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और भाई ना पहले पहचान नहीं पा रहे थे उसके बाद एकदम से पहचाना। स्वर्ग मां बसूंज मेरे घूमो गड़ाला। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। होप कि आप सबके साथ एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, एकदम झकास। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे 8। ये पीछे आपको काशी विश्वनाथ जी का टेंपल दिखाई दे रहा है जो कि कल शाम को यहाँ पे डोली आई थी और सुबह सुबह प्रस्थान होगी फाटा के लिए। तो कहीं ना कहीं हम मिस हो गए, इस वजह से हम दिखा नहीं पाए। हमें पता ही नहीं चला कि डोली कब निकल गई। तो बाबा भोलेनाथ की डोली निकल गई है फाटा के लिए। और ये आपको दिखाई दे रहा है काशी विश्वनाथ जी का टेंपल जो कि गुप्त काशी में पड़ता है। तो अभी हम भी डोली के साथ साथ चलेंगे, देखते हैं डोली कहाँ तक निकली है। तो चलते हैं ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हम सभी का स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दोस्तों फिलहाल दर्शन करते हैं, कहीं ना कहीं हम डिले हो गए अपना जो भी सामान था, जो भी गैजेट थे पैक करने में और रेडी होने में। तो चलो अभी दर्शन करते और फिर निकलते यहाँ से। फिर हमें जाना है फाटा के लिए क्योंकि बाबा भोलेनाथ की डोली फाटा निकल चुकी होगी। हमें बहुत ज़्यादा डिले हो गया, यानी कि लेट हो गए हम। अभी टाइम हो रहा है 8:30। जो हमारी संस्कृति है जिसे कि ढोल दमाव कहते हैं, तो अंकल जी यहाँ पे ढोल दमाव बजा रहे हैं। ये रहा काशी विश्वनाथ जी का टेंपल, तो लास्ट बारी दर्शन कर लो क्योंकि पता नहीं कब आते हैं अब यहाँ पे। और अभी हमें निकलना है तो जल्दी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो गया। अभी टाइम 8:30 हो गया था। तो दोस्तों चलते चलते काफ़ी आगे पहुँच गए और अभी हम पहुँच गए हैं बगडवाल धार में। तो फाइनली यहाँ पे डोली के साथ पहुँच गए हम। यहाँ से आगे निकलेंगे डोली के साथ जयकारे लगाते लगाते, तो जय बाबा केदार। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कुछ भाई लोगों से मिलवाएंगे जिनसे कि कल बात नहीं हो पाई ढंग से वो शोर के कारण, तो आज मिलवाएंगे अच्छे से। तो आप जयकारों के साथ हम भी बढ़ते आगे। बम 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 बम। आज डोली का विश्राम होगा, रात्रि स्टे होगा फाटा में, तो साथ साथ चलते हैं। और जो आपको बाबा और घोड़े खच्चर दिखाई दे रहे होंगे, तो धीरे धीरे करके सभी लोग अब यात्रा के लिए आ रहे हैं। जय भोलेनाथ। दोस्तों अभी हम डोली के साथ साथ चल रहे हैं और हमें मिले यहाँ पे पहाड़ी बाइकर। देखो जय बाबा केदार। हेलो वैसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वैसे हम कल रात को मिल गए थे लेकिन कल रात को शोर हो रहा था इस वजह से ज्यादा बढ़ा नहीं पाए, लेकिन अभी अच्छा लगा आपसे मिल करके। हर महादेव। हर महादेव। जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। मिलते हैं आगे, भी सफर बहुत लंबा है, बाकी रास्ते में कुछ खाते पीते हुए प्रसाद ग्रहण करते हुए आगे को बढ़ेंगे। बाबा के साथ चलते रहेंगे। बाबा के साथ चलते रहेंगे। जहाँ जहाँ पे बाबा की डोली विश्राम कर रही है वहाँ पे मतलब खाने पीने की और जलपान की व्यवस्था है। जैसे कि देखो अभी एप्पल मिल गया और यहाँ पे ट्रैवलर भाई साहब मिले। भैया आप कहाँ से हो? हम मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से पैदल यात्रा? पैदल यात्रा। वहाँ से तो गाड़ी में आएगो हरिद्वार? पैदल, पूरा पूरा का पूरा पैदल। पैदल 55 दिन से ऊपर हो गए। 55 दिन से ऊपर भाई साहब। 15 किलोमीटर के देख रहे हो, 55 दिन पूरे हो गए और भाई का जुनून देख रहे हो। घर भी पैदल ही जाओगे? गाड़ी से? दोस्तों डोली यहाँ से भी प्रस्थान करेगी अभी फाटा के लिए। फाटा के लिए तो हम जा रहे हैं और हमें भाई मिले जो कि यहाँ के हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और भाई ना पहले पहचान नहीं पा रहे थे उसके बाद एकदम से पहचाना। मैंने देख रहा, मैंने कहा यार मैंने भैया को कहीं देखा हुआ है, तो मतलब इनके वीडियोस में काफी देख रखे हैं, कैंपिंग वाले काफी अच्छे हैं। तो भैया जी से मिल गया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बाकी आप लोग हमें भी देखोगे और हमारे ब्लॉग में भी आप भाई को देख लेना। किस नाम से है आपका? रवि केजारा ब्लॉगर नाम का चैनल है, तो आप लोग देखिए। अगर अच्छा अभी बाबा केदार की ट्रिप साथ साथ होती है तो जय भोलेनाथ। जय भोले। यहाँ पे हमें भैया मिले। भैया आप कहाँ से हो?
भाई चढ़ा रहे हैं कि बाघ आ गए, बाघ वाला मैं थोड़ी ना हूं यार। इसने और एक लेसन दिखाया था एसपी पायलट भाई, हमने दिखाया यार आपको, हमारे व्यूअर है, थैंक यू सो मच, और देखते रहना भैया। हां और बाघ आ गया यार, बाघ यार मैंने बाघ कभी नहीं बोला था यार, झूठ मत बोलो यार। अगर के भालू बोला था मैंने एक बार, ये भालू रियल में था। चलो ठीक है, हां देखते रहना भाई। तो दोस्तों आज के इस दिन पे बहुत सारे भाई लोग मिले, बहुत सारे जिनको कि हम पहली बार ही मिल रहे होंगे और बहुत अच्छा लग रहा है मिल करके। जैसे कि अभी भाई मिले, हमने कल रात को भी आपको देखा था लेकिन हम पहचान नहीं पाए थे, भाई ने मुझे अभी पहचाना। इसी के साथ साथ जैसे आलोक भाई हो गए, आशुतोष भाई हो गए और अमित नेगी, तो अपने सुरेंद्र भाई जगह जगह पे जलपान और प्रसाद दे रहे हैं हमें, तो भाई का ख्याल रखो ठीक है। काजू में ले देखो दोस्तों काजू। और कल रात को हम अमित भाई को मिल गए थे लेकिन उस टाइम पे मिलवा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे ज्यादा शोर हो रहा था, और रात को हम एक ही सामने, यानी कि अगल बगल के रूम पे थे हम, तो मिले अमित भाई से। भाई से देखते नहीं यार, ऑडियंस को देखते बढ़िया है, साथ साथ यात्रा हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। भाई तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, था बहुत बढ़िया, दूसरी बार आ रहा हूँ मैं, मुझे लगा पहली बार मुझे लगा तीसरी बार, और भाई से पहली बार मुलाकात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मिलते रहेंगे अमित भाई से भी, लव यू टू यार। तो दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबा की डोली पुराने रास्ते से होके जा रही है जो ऊपर से रोड है, हालांकि रोड शॉर्टकट है लेकिन जो पुराने रास्ते है ना जहाँ से बाबा की डोली पहले चलती होगी तो उसी रास्ते से चल रही है। और यहाँ पे व्लॉगरों का इतना क्रेज है, इतना क्रेज है क्या ही बोले, हर दो कदम पे व्लॉगर दिखाई दे रहे हैं हमें, और मैं सुरेंद्र भाई, अमित भाई और ये भाई साहब है, तो हम पीछे से चल रहे हैं यार, हम थोड़ा सा सूट करके जा रहे हैं और पहली बार ही है तो अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं हम। बाबा की डोली वहाँ पहुँच गई इस रास्ते होकर के, और इस रास्ते होकर के जाएगी यहाँ यहाँ होके और फिर आगे। बड़ी बैठे चिन स्वस्थ पैंड बढ़िया, जय बाबा केदार। भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो दोस्तों अभी काफी आगे पहुंच गए और गर्मी से बहुत ज्यादा हालत खराब होगी, बहुत ज्यादा ऐसा भाई पसीना ऐसा टपक रहा है ना क्या ही बताऊं, और जगह जगह पे खाने पीने की व्यवस्था भी है। आगे से सभी भाई लोग जा रहे हैं। शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। जगह जगह पे खाने पीने की व्यवस्था भी है, यानी कि जलपान जैसे कि भाई खाएंगे रिफ्रेशमेंट, तो बहुत मजा आ रहा है। आपने बुरा उसका जूस मिस कर दिया? नहीं यार पिया मैंने भी, बहुत बुरा लगा तुमसे पहले भाई, ये तो हमसे आगे निकल रहे हैं, क्या बात है, ऐसे चटकाते ना हम जैसे लोग पैक नहीं मारते, खाने पीने में पीछे नहीं रहना, खाने पीने में पीछे नहीं रहना चाहिए भाई, अपना भी यही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाथ में क्या है फिर? ये है लाल दारू। तो दोस्तों जहाँ पे हमें कनेक्ट होना है रोड के साथ, तो फाइनली ये लोकेशन आ गई। कितना दूर होगा? 3-4 किलोमीटर बस, मात्र 4 किलोमीटर का सफर रह गया। हाँ और अपन जो है, मैं ले लिया, ले ले यार भाई, मेरे साथ ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं जो पूरा ख्याल रखते हैं भाई। भाई देखो अगर किसी के साथ जो मान करे के दोस्तों, तो उसका 0 से 0 तक साथ निभाओ, ठीक है? वाह वाह वाह, है ना, हमेशा दोस्त बोलो तो दोस्त पता कब खत्म होती है, जो दोस्त खत्म हो जाए वो दोस्त है ही नहीं, है ही नहीं, तो लालच आ जाता है, लालच लालच बुरी बला, जब लालच आ जाता तो। और हमारे साथ भाई भी जुड़े हैं, भाई आप कहाँ से हो? मैं मेरठ से। मेरठ से हैं हम, पहले गए थे सोन प्रयाग। हाँ, तो सोन प्रयाग से फिर वापसी आए हैं मुखीमठ। हाँ, मुखीमठ से गुप्तासी और गुप्तासी हम सर भाटा, और हमारी बगल में ठहरे हुए थे अमित भाई और भाई जी, छोटा सा चैनल चलाते हैं हम भी। हाँ, राकेश तोमर घुमक्कड़ के नाम से। हाँ, ये थोड़ा फनी लग रहा है घुमक्कड़ है ना, घुमक्कड़ भाई, घुमक्कड़ भाई। हाँ
ताली घूमो लू घूमो लू बगस्वारा दर्शन करू लो हाँ बद्री के दारा सजी धजी ऐ जानू पहाड़ा स्वर्ग मां बसूं जु मेरे घूमो गड़ाला जयकार के साथ हम अभी आगे बढ़ रहे हैं और बाबा की डोली के साथ साथ चल रहे हैं। केदारनाथ की जो घाटियां हैं दोस्तों, चारों तरफ जो घाटियां हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी हर कोई आज बाबा केदारनाथ के नारे लगा रहा है। हाँ। सब जगह से आवाज गूंज रही है, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और मेरे मुंह से हमेशा यही आ रहा है, नैनीताल घूमो लू बगस्वारा नैनीताल घूमो लू बगस्वारा दर्शन करू लो हाँ बद्री केदारा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा दोस्तों बाबा केदार की डोली के दर्शन आगे से भी कर लो, हर बारी बैक साइड से दिखा रहे, इस बारी मौका मिला है आगे से आने का। बाबा की डोली हमारे पीछे पीछे और हम बाबा की डोली के आगे आगे, ठीक सामने आपको हिमालय की पीक भी दिखाई दे रही होगी, जो कि हम हर टाइम दूरातौली से दिखा देते, अपने इस साइड से दिखा देते। तो कल परसों हमारा सफर होगा इन वादियों में। तो दोस्तों एक बार गौर कीजिए केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ पे, और ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा होगा हिमालय की पीक दिखाई दे रही होगी, और ये नीचे आपको फाटा मार्केट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि आज रात को बाबा की डोली विश्राम करेगी और फिर यहाँ से प्रस्थान होगी गौरीकुंड के लिए। तो बाबा की डोली पीछे से आ रही है, देखो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे भाई लोग मिले जो कि बाबा की डोली को भेजने के लिए आ रहे हो ना। कहाँ से हो तुम? खाट गाँव है खाट। अच्छा कहाँ तक जा रहे हो तुम? फाटा और फिर वापसी जाओगे रिटर्न? ठीक है ठीक है ठीक है, जय बाबा केदार। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए फाटा में, और आज रात यहां पे बाबा भोलेनाथ की डोली विश्राम करेगी और कल सुबह यहां से मॉर्निंग में निकल जाएगी गौरीकुंड के लिए। तो यहां पे मंदिर नहीं है, शायद आज लॉज में रुकेगी, तो देखते क्या होता है। हमें भी यहां के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, जब नेक्स्ट टाइम ही आएंगे तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल चलते हैं यहां से, और मैंने अभी अपनी वीडियो क्लिप चेक की, नॉइज़ भी बिल्कुल ही नहीं आ रही है भाई, जहाँ पे मैंने शोर के सामने मतलब शूट कर रखा है, बिल्कुल ही वॉइस ख़राब आ रही है मेरी तो वॉइस बिल्कुल कम सुनाई दे रही है, और एक तो मेरा गला भी बैठ गया। जयकारे लगाते आज बाबा की डोली फाटा तक ही पहुंची, और अभी टाइम हो रहा है 3:30। तो दोस्तों हमें रूम भी मिल गया, और कल यहाँ से डोली निकलेगी गौरीकुंड के लिए। आज की जो हमारी लोकेशन है ये फाटा मार्केट दिखाई दे रहा है, और हमने रूम लिया है यहाँ पे। तो दोस्तों बाहर तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे आज बहुत सारे भाई लोग मिले थे जिनसे कि मैं मिलवा नहीं पाया, तो कल मिलवाएंगे। कल भी हम यहाँ से गौरीकुंड जाएंगे बाबा केदार की डोली के साथ, कल हम भी जाएंगे। तो 25-26 तारीख तक हम रहने वाले। तो दोस्तों क्या करते हैं, इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नए अगले ब्लॉग में, कल यहाँ से गौरीकुंड बाबा केदार की डोली के साथ साथ जाएंगे जयकारों के साथ। नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी, ऑल पे सर्च करके प्रेस कर दो। तो कल मैं आपको बहुत सारी यूट्यूबर से मिलवाने वाला हूँ फिर से एक बार दोबारा, और आज आपने बहुत सारे भाई लोगों को देखा होगा जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है। 4 नंबर और 3 नंबर हमारा रूम है यहाँ पे, और ये लोकेशन दिखाई दे रही है फाटा की, देखो। जैसे कि दोस्तों आपको आज यहाँ पे भीड़ नहीं दिखाई दे रही होगी, पर्यटक कब से आते पता,
जैसे ही बाबा केदार के कपाट खुलेंगे ना 25 तारीख को, बस 25 तारीख के बाद इतनी भीड़ रहती है ना, इतनी भीड़ रहती है जो आपके ये रोड खाली खाली दिखाई दे रही है ना भाई, इसमें पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। जब 2022 में मैंने यात्रा की थी तो भाई मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था, गाड़ी गाड़ी जाम लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। और आज के इस व्लॉग में कहीं पे नॉइज भी नहीं आ रही होगी तो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हो रहा था और व्लॉगिंग करना, फिर माइक भी मैंने यूज़ नहीं किया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।